अभी जैसे कि क्या इसमें ना ये हो गया, पैकिंग भी कर दी पूरी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे क्या है आप? ये मम्मी है, मम्मी का बैंक में अकाउंट तो खुल चुका है। कल ब्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि हाथ पैर ऐसे टूट रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कर लें। तो मम्मी और मैं जा रहे हैं, बाई कार ही जाना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी टंकी की डायरी है। हाँ, टंकी भी भरवानी है, तो दोनों तीनों काम है, निपटा तो जाएंगे। चलो निपटते हैं आगे। टंकी ले जाने का नाम है, अरे टंकी भी भरवानी है एकदम गाड़ी में, इतने से याद आई। यहाँ से घर जाने की तैयारी, थोड़ा सा गाड़ी पलटा ले। तो सही बात है, एक तो सरकारी बैंक में जितना ढीला काम होता ना उतना कहीं नहीं होता है, पर क्या करें, पापा का मम्मी का अकाउंट ज्वाइन कराना था इसलिए सरकारी बैंक में कराना पड़ रहा है। यार बहुत ढीले काम थे वो, तो मम्मी थे तो इसलिए थोड़ा कम हो गया, नहीं तो आज मज़ा आ जाता। चलो मिलते हैं, हम घर जाते हैं यहाँ से सीधे। सब्जियों में भी नुकुस निकालती है, ये कमी रहेगी सब्जियों में चीज़ों में, आज बैंक के पास उसमें निकाल रहे हैं, बोले इसमें धागा क्यों निकल रहा है। अब बताओ क्या करना चाहिए, क्यों मैं बैंक के अपने घर ना, वो उनको मैं सिलाई सिखा क्या हूँ ना, काम करो तो ढंगता करो, हाँ नहीं तो मत करो। यहाँ से सीधे घर चल रहे हैं, घर पहुँच गए अपन, काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं थे। हमारी माता भाई ये घर मेरा घर के पास में थे, ऑटो वाले भी साइड दे रहे, ये साइड दे रहे और चले जा रहे हम। क्या वो QR कोड करवाया ना मैंने, करा लिया तो मैंने वही बोला आंटी को, मैंने आंटी QR कोड चढ़ा दिया, उन्होंने हाँ, और जिस दिन मेरा मूड घुमा और मैंने चेक करा नहीं हुआ, फिर पापा बता देंगे आंटी, तो वही नहीं, फिर नंबर लगाना क्या, मैं तो डायरेक्ट ही जाऊँगा स्टेट बैंक में। पता ये दिक्कत है, दिक्कत कुछ भी नहीं, दूसरी बैंकों में काम खटाखट होते हैं, इसमें बहुत ढीले काम होते हैं। देखा नहीं उसने, मतलब अपन मम्मी यहाँ 1:05 में पहुँच गए थे, क्या टाइम हो रहा है, 1:30 में गया, दो जनों में इतना टाइम लगा दिया, बहुत ढीली है वो, रिटायर करना चाहिए इन लोगों ने, रिटायर करते जाए रिटायर नहीं वो वहाँ पे। देखो अपन ने बाकी दूसरे काम भी कराना, कितनी जल्दी दे रहे वो, इसी में गुड़ी कहाँ खत्म होते हैं, तो गुड़ी नहीं है सोचे हमें अपने ऐसे इंसान चाहिए अकड़ू थोड़े से कि भैया नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, इसके नंबर पे क्या लगा रहे, गलत चीज़ है। मैंने एक बैंक में ऐसी थी आंटी जैसी थी, मैंने उनको बोल दिया आंटी, वो इतना बुरा मान गई मम्मी, अब तो आंटी तो आंटी बोलेंगे बोलेंगे ना बुरा काम, अरे वो चिढ़ गई मेरे ऊपर, तुमने मेरे को आंटी, अरे तो मैंने मैंने कौन से तुमको गाली दी, तेरा अम्मा बोला क्या ना, मैंने आंटी तो बोला नहीं, बोला हमको सब पूरे उसमें दीदी बोलते, अच्छा दीदी बोलते। और देखा नहीं हम लोग छोटे थे स्कूल में, वो भाई भाई करते थे उनको, तो भी उनको माई माई बुलवाते थे उनको स्कूल में, याद आया तुमको अनुपम स्कूल में, मामी बोलो मामी। गाली तो बकने रहे, आंटी तो बोल रही,
वही चला रही पड़ी है। हाँ तो पड़े रहते ना, तुमको कहीं जाना, कल टंकी शाम को भी शाम को लेके आ जाऊंगा। बोल्ट का फोटो दिया मैंने इसको, ये व्यक्ति फोटोग्राफर है पर मेरा काम नहीं कर रहा है। तो फोटो तो भेज दो भैया, तो फोटो तो भेजो, हम तो माने। चलो अभी बैठो, लो मेरे को ये तो बनवा दो इसमें का एक और। हाँ ये बन जाओ, फोटो भेज दो, कटआउट ही है ना। हाँ कटआउट तो वो तुम्हारे को जो फोटो भेजा वही तो है, ये फोटो वही है। मैं पूछा था ना कितने, मैंने सवराज से बनवाया था, सवराज से बनवाया था ये कितने का बनवा के दे दो यार। कब तक मैं इसमें मत डीला करना, क्योंकि तो मेन चीज पता है, देखो इसकी पन्नी निकल आई यार। हाँ ना यार, वो करवा दो आरके की, खराब हो रही है वो, अच्छा नहीं लगता वो पूरे। देखो मैंने तोड़ ही दिया है ना पूरा, अब तुमको याद से तुम्हारे सामने हटा रही हूँ। तो इसका पेमेंट कर दूं, कर दूं। ये देखो मैं गाड़ी अब बेकार लगेगी, क्योंकि ये देखो ये भी हटा दिया, तुम्हारे सामने सब चीज हटा रही हो। नहीं तो इसी को ले आओ कि इस पे फोटो लगवा दो तो। तुम कब तक करवा दोगे तो भी ठीक है, तो मैं तो उसको रखे रहता हूँ। तू भी बाय चांस इतना बड़ा कभी फोटो निकलवा के मेरे मैं घर पे डॉक्टरी कर लूँ, पर ऐसा बनाना अरे खराब नहीं हो रही, मतलब क्या धूप में मांगी हुई है सर्विसिंग, तुम्हारे पास नहीं आता कैमरे सर्विसिंग के लिए? अरे अरे हरियाणा हरियाणा ने क्या है कि बोल्ट की फोटो इसके स्टूडियो में लगी, वो भी मैं दिखाऊंगा। अगर इसने वो फोटो भेज देना तो क्या मेरे को टाले दे दिया 2-3 दिन से, इस चक्कर में क्या मैंने छोड़ दिया मैंने। ठीक है यार, अभी बोल्ट का फोटो का भी मैंने हटा दिया यहाँ से, यहाँ पे लगा था मैंने हटा दिया वो भी। तो क्या है कि अब नया अपडेट करके देगा वो भी, देख लेते हैं। ओके तो रिया एक्टिव बोलते भैया बना दूंगा मैं आने। ठीक है यार, बहुत टाइम हो गया ना, तो ज्यादा टाइम हो जाता तो दिक्कत होती है किसी चीज के लिए, आप बैठे हो नहीं यार आपका काम हो जाएगा। मेरा काम होता नहीं ना, तो मैं जब तक परेशान नहीं करता हूँ तुझसे, वही मेरा काम कर दे। अपन ने गाड़ी लगा दी रिवर्स के, रिवर्स के लिए भी 4-5 बजे फिर मेरे को जाना है टंकी लेने। तो अभी घर जाऊँगा, नहाऊंगा, नहाया तो हूँ नहीं, मम्मी का काम था पूरा वो तो हो गया, मम्मी का काम तो बस अब थोड़ा सा ये कि बुलेट की सर्विसिंग भी आ चुकी है, वो भी करवानी है। मेन चीज टाइम की दिक्कत है, गाड़ी तो पे नहीं तुम्हारा भी, ये अपने हाथ का टैटू। और एक भाई पूछा था ना टैटू कितने, भाई 3 टैटू है मेरे शरीर पे, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है ये 3 हो गए, थैंक यू पूछने के लिए भाई तुमको भी। ठीक है ये 3 टैटू है पूरे शरीर पे, इसके आगे अभी नहीं बनवाएंगे, जब बनवाएंगे तब वो ही बता देंगे। जब तक के लिए मिलते हैं, और मिलते हैं ना दो के, बाकी सबको जेस की आराम। ठीक है अभी देखो घर के अंदर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। हेला फ्रंट कैमरा भी साफ हो गया इसका, टंकी भी इसमें पड़ी है, अब देखते हैं अपना। और हालांकि अपना तो स्मार्ट हो गया मैं अभी धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है मतलब, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है अच्छी है। और ये मैडम का ऑयल ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से, हम क्या है तो इसको भी सही कराते हैं आज यहाँ पर घर पर। तो फाइनली इसका टाइम आ चुका है, और इसमें इंजन ऑयल है उसको थोड़ा चेकअप करवा के आते हैं। तो चलो हेलमेट और लेके आना अंदर से, उसके काम करवाते हैं। चल दिया इसको लेके, क्योंकि इसकी सर्विसिंग कराना बहुत ज़रूरी है, और है ना क्या है कि इसका ऑयल ख़त्म हो चुका था,
तो पापा कहते आके ना लेना, कितनी धूप में जाएगा तो बोले गंदे ही हो रहा था, तो बोला आके ना लेना यार। पापा की बात करते पहले मान लेते, ये हेलमेट पहन के जा रहे हो देखो यहाँ। सेल की प्रॉब्लम आ रही है, दिखवाते क्या क्या काम होता है इसका। ठीक है चलते हैं इसको लेके आज, इसका काम कराना बहुत जरूरी हो गया। इसके टेफिट भी आवाज़ करते देखो सुनना ही। आवाज आ रही ना उसी की आ रही है, तो करवाते इसका ही काम। उससे ही देखो पुलिस वालों में वो भी जा रहे हैं बिना हेलमेट के, इतना दिखा सकता हूँ बोलो। ये इंदौर की हालात, सिग्नल पर खड़े हैं, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, सिग्नल चालू होने वाला है। हम जा रहे हैं जिनसे अपन ने पेमेंट लेना है, एक से अपने को जिनको अपन ने पोमेरेन के बच्चे देते जो लेके आए थे, तो वो पेमेंट तो लेके आना पड़ेगा तभी तो सर्विसिंग होगी इसकी। चलो पेमेंट ले लेते हैं फिर आते हैं। देखो ये बच्चा जो बैठा ना वो गलत तरह से बैठा है, दोनों टांग पीछे करके यार। जैसे में कोई गाड़ी पीछे से टच हो गई ना तो यार बच्चे के तो पैर ही चले जाएंगे, तो बैठने से पहले ऐसा ध्यान रखा करो अपने बच्चों का। बच्चे के पैर अंदर करवा दिए, गाड़ी रुकवा दी थी मैंने, बच्चे के पैर अंदर करवा दिए। मेरे को लगा मैंने नहीं यार गलत है तो फिर रोक दो यार, तो रुकवा के मैंने पैर अंदर करवा दिए, निकल गए वो लोग। अच्छे से बोला, प्यार से समझ गए थे, ड्राइवर भैया बहुत अच्छे थे, उनने भी उनको चिल्लाया सवारी को। मैंने उनको ये बोला मैंने यार देखो भैया होगा ना तो आपका नाम ख़राब होगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको अंदर करवा दीजिए। उन्होंने अंदर करवा दिया और बच्चे को मेरे चक्कर में डांट भी पीट गई। वो बच्चा अपने मन से बैठा था, उसको किसी ने बोला नहीं था कि क्या है, एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ फिर भी कुछ गलत कर रहे हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ बुलेट में। भाई जाएंगे ये इसकी सर्विसिंग करते, मतलब हर बार इनसे करवाता है, ये शॉप है भी अजंता आपको खास करके, यहाँ पे पूरा काम होगा। वही सेल्फ में तो हमने प्रॉब्लम बताई कोई बेरिंग वेरिंग का, तो अभी वो जाएंगे चेक करके आते हैं, जा रहे हैं वो काम बढ़िया करते हैं, वो भी दिखाऊंगा आज। अपना घोड़ा हो गया रेडी सर्विसिंग के लिए, चेकअप चल रहा है उसका पूरा, क्योंकि बड़े दिनों बाद ये काम इसका चालू है। सामान लेना पड़ रहे हैं यहाँ से जो उनने लिखा है, ज़्यादा ही खर्चा आ गया उसमें, तो देखते हैं कितना आया। फिर उसका सामान ही सामान कितने का आया, 2983000 में कुछ कम नहीं है। और उसका सामान मिल जाएगा, और शाम स्कूटर से लिया, मतलब ओरिजिनल पार्ट से लिया पूरा। ये वाले भी कंपनी, उन्होंने पापा का परा ला के दे दिया, तो ये शाम स्कूटर में मतलब पूरा लोहे का बना हुआ है, वो बुलेट के पार्ट से भी आधे बाइकों के पार्ट से मतलब अलग अलग। तो सामान तो ले लिया है इतना सामान, तो इतने सामान का इतना बिल बना है। अब यहाँ से चलते हैं अपन जल्दी, फिर बुलेट का काम हो गया चालू करवा के घर निकलते हैं जल्दी। वैसे कि इसका अभी एयर फिल्टर चेंज कराई है, क्योंकि गाड़ी मतलब मिनिमम मेरी 20,000, मैंने जब बोला था ना आपको 19,000 रुपये, तो बोला सर 20,000 हो गई पूरा, 20,000 चलने पर उसने आप खर्चा मांगा लगभग, तो भी सही यार, इसलिए उसका एवरेज बिगड़ गया था। तो ये पेट्रोल से क्या, इसकी वायरिंग वायरिंग सब साफ करते हैं, क्लच दबाते अपन, ब्रेक दबाते उसकी, तो ये हर किसी गैरेज पे तो मैंने नहीं देखा इनके ये होते हुए देखा, इसकी अच्छी लगती है, मतलब मैंने पहले भी करा चुका है काम। तो बाकी चैनल ही अपना और क्या काम होता वही बताएंगे शॉर्ट में। जो पेट्रोल निकाल के जो डाल रहे थे ना, वो उसमें डाल रहे थे। ए सी भी है ना यहीं पे मिलेगा, ये अजंता ऑटो गैरेज है ना सिर्फ यहीं पे होता है। ये चीज़ मैंने मतलब देखिए कितने गैरेजों पर काम करते हो, देखे नहीं देखा मैंने ऐसा साफ करता नहीं, तो मैं भैया की भी करा अच्छी लगी, मतलब इतने साल से मुझसे सर्विसिंग करा रहे हो इसकी, मतलब गाड़ी को अगर 4-5 साल मेरे पास, मतलब कब भी उनने जो फालतू चीज़ होती ना वो, क्योंकि ये क्या सिर्फ लेबर चार्ज लेते हैं ये, मतलब इनकी दुकान नहीं खुद की, मतलब दुकान है, मतलब छोटे मोटे पार्ट्स मिलते हैं, पर जो भी चीज़ रहती है आप जाओ दुकान पे, काम स्कूटर से मंगवाया पूरा सामान में लेके आया खुद ही, तो ये चीज़ अच्छी रहती है। अब क्या होता है दूसरे गैरेज वाले क्या करते हैं कि खुद ही सामान डालते, तो लोकल भी डाल देते, मैं पूरा रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल ही सामान लेके आया, तो भैया भी खुद ही सजेस्ट करते कि भैया ओरिजिनल ही पार्ट डालना जो भी डालना। बाकी आप देखना गाड़ी का पूरा काम कर होते हुए। अभी जैसे कि क्या इसमें ना ये हो गया था अपना कि जो सेल्फ होता है ना,
सेल के कारण क्या ये पारवा वो कर रही थी, मतलब हंस रही थी, तो उसके चक्कर में इंजन को खोला गया साइड का। अपना सेल पर दिख पा रहे हैं क्या होता है, देखा जाए। ये हो गया सेल का काम, उसकी पैकिंग भी कर दी पूरी। बहुत टाइम लग जाता है बुलेट की सर्विसिंग में तो। अच्छा तो थंबल से ही करना पड़ेगा कि बुलेट में है लंबा खर्चा। सही बात है यार, बहुत लंबा खर्चा। मतलब खोला तो एक और नई प्रॉब्लम होती है, केयरिंग है वो भी रॉकेट का, उसको भी नया डाला इनने, वो भी अभी लेके आया हूँ, नया फिट करा हूँ। इसलिए कि यार तो जरूरी है, अगर ये खराब भी है ना तो जल्द से जल्द बदला लेना चाहिए। क्या है कि चेन जब अटकती है ना तो कभी आप 60-70 की स्पीड में टूटती है तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि चेन जब टूटती तो पूरी खट्टी हो जाती है, गड़ी हो जाती है, तो उससे गिरने का ज़्यादा डर रहता है। मैंने सोचा मैंने खर्चा, मतलब मेरे इसमें तो 3 दांत ही टूटे थे, चाहता तो चल जाती पर मैंने नहीं यार रिक्स नहीं लेना अपने को। अब इसके ब्रेक कवर भी डले, पूरे नए डले, यहाँ की ब्रेक आवाज़ कर रहे थे, और क्लच प्लेट भी डलेगी, फिल्टर ये सब पैकिंग हो गए, मतलब मैंने लगा लिया था ये सब हो गया, काम चल गया। भैया तो बोलते आओ तो टाइम लेकर आओ, क्योंकि जल्दी जल्दी में काम गड़बड़ाता है। ठीक है यार भैया, टाइम ले लो पर काम अच्छा हो जाना चाहिए। इसमें क्या ये पूरे दाँते घिसा गए थे ना इसके, तो भाई एक तो टूट ही गया था पूरा, ये वाला तो पूरा टूट ही गया था, इसलिए तो इसको चेंज ही करा दिया पूरा, नया ही हो गया, फिट हो गया नया वाला। ये कंडीशन रहती है गाड़ी घोड़े कोई खेल नहीं, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छो अच्छो का। और ये इसका काम, अभी इसमें ऑयल भी डालना बाकी है, फिर इसको 3000 रुपये फिर दिखाना, 3000 चलाना है। ये भी फिट हो गया, क्लच प्लेट वो सॉरी ब्रेक शूज भी लग गए, और चेन स्पैकेट है वो भी लग गया, सब हो गया कंप्लीट। जिस तरह से खून डलता शरीर के अंदर, वैसे मेन इसकी चीज़ें का ऑयल, ऑयल नहीं है गाड़ी में ओके मतलब ही नहीं, तो ये ऑयल तो चेंज करते रहेंगे। बुलेट में दिक्कत ये है कि दोनों साइड ऑयल डालता, पहले उस साइड डाला था अब इस साइड डाल रहे हैं, ये भैया डाल रहे हैं हमारे। बोला मैंने इनको ऑयल क्यों बचाया, पता चला इधर साइड भी डला, मतलब आज तक ध्यान नहीं दिया, आज ध्यान दिया वीडियो बनाते हैं ना, तो इसमें दोनों साइड डलता है, अच्छी चीज़ है पता चला आज, क्योंकि हमेशा आते तो ध्यान देते नहीं थे गाड़ी, भैया लोग खुद ही कंप्लीट कर देते थे, और अब वीडियो बनाने जब से चालू कराने जब से एक एक चीज़ों पर ध्यान भी जा रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। फाइनली ये हो गया गाड़ी का काम, मतलब मैं अभी हम लोगों ने टेस्ट ड्राइव भी कर लिया, अच्छी चल रही है। यहाँ पे दुकान से कराया था, दुकान का तो अब रात हो गई, अपनी तो दिख नहीं रहा, बहुत कल दिख जाएगा, और अपन चलते सीधे घर क्योंकि बहुत काम पड़ रहा है। सवेरे आया था रात हो गई, और ट्रैफिक अलग हो गया, निकलते यहाँ से, हेलमेट और लेना है, भूल जाता नहीं तो चालू कर जाता।